छोड़ो डाल। शादी ब्याह में वैसे भी लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ वाले, मैं भी थक गया हूँ। क्यों नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगा। क्यों नहीं करिए भाई। वाह दादर वाह, शादी की खुशी बयान कर आराम की जिंदगी जी रहे हो क्या। और दादर अपने भाई को मरने का दम भूल गए। क्या सोच रहे हो। नहीं जसवंत, ये दादर सिंह अपने भाई की मौत का गम कैसे भूल सकता है। जब तक मैं उन हराम जादों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और शादी करके बिमला को लेकर आए हो। हाँ, लेकिन तुम उसके साथ में सुहागरात नहीं मनाओगे। सुहागरात नहीं मनाऊंगा मैं यार। तो फिर इसी वक्त तुम वापस अपने ससुराल चले जाओ। ससुराल? हाँ दादर, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा साला जो छोटा जिसका नाम शंकर है, हाँ है, उसको किसी तरह से बलगड़ा कर तुम उसको उसी रास्ते से लाओगे जहां पर अपना भाई अरुण मारा गया है। उसी जगह पर मैं तुम्हें मिलूंगा। और फिर आगे करना क्या है मैं बताऊंगा। अगर तुम कहते हो तो हम इसी वक्त अपनी ससुराल जा रहे हैं। जा नगर। जैसे बसी की खबर पड़ी है, अगर बिमला मेरी नहीं बनी तो मैं किसी की बनने नहीं दूंगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कम खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। आराम अगर शब और शकर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। खाओ कम खिलाओ ज्यादा लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा मारो कम मरवाओ ज्यादा। क्या? हाँ बाबू, आप मारो कम हमसे मरवाओ ज्यादा। ये का जितने कही हो इतने मारा। जैसे ही शक्कर को लेकर दादर सिंह आ जाए तो उनकी खबर तो मुझे बताओगे। जी मालिक। आ मेरे साथ थोड़ा भाग। नो सर। चुनी लाल। हाँ भैया। मुन्नी लाल। चलो चलते। कहा तो चिड़ैया बोलने वाली हो। चिड़ैया चिड़ैया बोलने वाली हो। अब तो मोर बाप इंसान चिड़ैया बोलने वाली हो। शक्कर माँ बाजार गई है। क्यों नहीं भैया। और हम खेत पर जा रहे हैं। जब तक माँ बाजार से वापस ना आ जाए तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है भैया। घर पर ही रहना। ठीक है। ठीक है ना। हाँ भैया। अरे शंकर। अरे जीजा जी आप। हाँ खुश रहो। कैसे आना हुआ जीजा जी। अरे क्या बताऊं शंकर, माँ दिखाई नहीं पड़ रही। माँ बाजार गई है और भैया खेतों की तरफ गए हैं। क्या बताऊं शंकर, जब से तेरी दीदी इस घर से विदा होके गई है। क्या हुआ मेरी दीदी को। बेचारी ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस एक ही रट लगाए है।
मुझे मेरे शंकर से मिला दो, मुझे मेरे शंकर से मिला दो, नहीं तो मैं चिंता नहीं बचूंगी। नहीं जी, शंकर तू मेरे साथ चल, चल के अपनी दीदी को धीर बता, नहीं तो अगर अगर बेचारी को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हूँ। अगर ऐसी बात है दीदा जी तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए दीदा जी। शंकर थोड़ा जल्दी जल्दी आ, मुझे इस रास्ते से मत ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है जीजा जी। इस रास्ते से तुझे डर लग रहा है? हाँ जीजा जी। अरे शंकर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत? नहीं जीजा जी, मुझे किसी दूसरे रास्ते से ले चलिए, इस रास्ते से बहुत डर लग रहा है जीजा जी। हाँ जीजा जी। अच्छा एक बात बता, बात आखिर तुझे इस रास्ते से डर क्यों लग रहा है? तो आप जानना चाहते हो जीजा जी, मुझे इस रास्ते से डर क्यों लग रहा है? हाँ, एक दिन की बात है, मैं और मेरे भैया, एक अरुण नाम का लड़का था, वो मेरी दीदी को छेड़ रहा था। मैं और मेरे भैया उसी पटक पटक के इसी जगह पे खत्म कर डाला था। हाँ जीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या नाम बताएं? अरुण। यानी अरुण नाम का लड़का तुम्हारी दीदी को छेड़ रहा था? हाँ जीजा जी। तो तुमने और तुम्हारे भैया ने मिलकर इसी जगह उसे पटक पटक कर मार डाला? हाँ जीजा जी। और तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं? नहीं जीजा जी, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी ने देखा नहीं है ना, इसीलिए हम लोगों को कुछ नहीं हुआ जीजा जी। ओ, किसी ने देखा नहीं? हाँ जीजा जी। लेकिन शंकर, क्या जीजा जी, क्या तुम जानते हो कि जिस अरुण नाम के लड़के को तुमने और तुम्हारे भाई ने मारा वो कौन था? कौन था जीजा जी? मैं बताऊं? बताइए ना जीजा जी, वो कौन था? वो कोई और नहीं हराम जाते बल्कि मेरा भाई। अब जानकर तुम्हारा
जान जाने जिस तरह तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है उसी तरह तुझे तरपाते हुए मेरे जीजा जी के सनगमाल सुनाया अब मेरे जी क्या विश्वास करके आपके साथ आया और हराम जाने आज तू मेरे हाथों नहीं बजेगा आज इसी जगह आज इसी जगह तुझे मारकर अपने भाई अरुण की आत्मा को भाग सकता भाग आज तेरे भागने के लिए जमीन का कण क्या बात है बेटे जो कि इतने बेरहमी से तुम्हें दादर सिंह मार रहे हैं ये मेरी जीजा जी ये मुझे मारना चाहती मुझे बचा लीजिए लेकिन बेटा ये तुम्हारे जीजा जी हैं लेकिन तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं अरुण सिंह का और मेरे भैया खून कटाला है इनके भाई अरुण सिंह को तुम लोगों ने जान से खत्म कर दिया लेकिन बेटे क्या तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं नहीं हम लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि किसी ने नहीं देखा ना तुम लोगों को किसी ने नहीं देखा क्या मालूम नहीं था वो किसका भाई मुझे नहीं मालूम था आराम जाबे तो किसी और का भाई नहीं बल्कि दादर और जसवंत सिंह का भाई रहा है दादर यह वही जगह है खत्म कर दो शाले को कहां मर गए भगवान शाले को और उसकी राज के फटा फट उठाओ चलो यहां से लेकर आज चलो दादा
कहाँ चली गई? शंकर कहाँ गया? बेटा बाजार से घर में कोई नहीं, न जाने शंकर कहाँ चला गया। शंकर आजकल बहुत घूमने लगा है माँ, आज मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, अगर कहीं भी मिला तो आज मैं उसके गाल पर दो चार चाटे जरूर लगाऊंगा। बेटा उसे माना नहीं, बच्चा समझ जाएगा। कब समझ आएगा? यही कह के हमेशा मुझे मना कर देती है, आज मैं उसको मारूंगा जरूर। नहीं बेटा उसे कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं। दादर देख शामले कौन दिखाई पड़ता है? शंकर! अरे ओ शंकर! अरे जसवंत! शंकर! ये तो हमारा बड़ा साला श्यामू है और वो इसी रास्ते से आ रहा है। एक काम करो, बल इस शंकरवा की लाश को इसी रास्ते पे छोड़ दो। छोड़ दे रहा है और आओ छुप कर देखते हैं कि ये समुआ शंकरवा की लाश को करता क्या है। शंकर! ओ शंकर! शंकर! ये शमुआ तो शंकरवा की लाश क्यों लेकर जा रहा है? हाँ जसवंत, ये श्यामू शंकर की लाश को लेके अपने घर जा रहा है। जसवंत, हाँ आज तक तुमने जो कहा
वो हमने किया। हाँ यह तुरे, लेकिन आज से जो मैं कहूंगा वो तुम लोग करोगे। बोल मुझे तो लगा है इस वक्त जरूरत तुम्हारी नहीं, इस वक्त जरूरत मुन्नी लाल की है। बोले लाल देखो दादर क्या कह रहे हैं। क्या बात है मालिक? मुन्नी लाल मालिक, इससे पहले कि श्यामू शंकर की लाश को लेकर अपने घर पहुंचे, उसके घर तुम पहुंचाओ जी। घर में श्यामू की बात सुनीता होगी, उससे जाकर कहना कि जायदाद के लालच में आकर श्यामू ने शंकर को जान से खत्म कर दिया। चाह देना कि श्यामू कह रहा था कि हमारे पास 2 बीघे जमीन है, अगर शंकर जिंदा रहा तो 1 बीघे जमीन का मालिक शंकर बन जाएगा जी। इसी गुस्से में श्यामू ने शंकर को जान से खत्म कर दिया जी। एक बात और कह देना। कौन सी बात? कि श्यामू ये भी कह रहा था कि एक दिन अपने बहनोई दादर सिंह को मारकर अंबानगर का जमींदार बनूंगा। कहने का मतलब भड़काना है। हाँ हाँ काफी सब भड़का देंगे, हमको क्या मिलेगा? तुमको क्या चाहिए? कॉलोनी। कॉलोनी चल, कॉलोनी क्या पूरी हवेली खड़ी करवा दूंगा तो मालिक मैं भड़का दूंगा। जाओ जसवंत। अरे वाह दादर वाह, तेरे जुबान को तो मैं दा देता हूँ। तुम देखते जाओ जसवंत, ये दादर सिंह अपने भाई की मौत का बदला इस परिवार से किस तरह चुकाता है। आओ हम मुन्नी लाल के आने का इंतजार करते हैं। क्या